प्रेस सब्सक्राइब बेल आइकॉन एंड लाइक बटन। jainworld.com 25 years of service to Jainism। ओम से हम स्टार्ट कर लेते हैं। आंखें बंद कर ले, ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा कोई भी, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद और जितना खिंचाव कर सकते हैं, एंड फोकस ऑन द वाइब्रेशंस इनसाइड योर बॉडी। आज हम चक्रों की बात करेंगे, चैतन्य केंद्र की बात करेंगे। मुख्य रूप से 7 चक्र होते हैं और फिर कहीं जाकर 9 हो जाते हैं, कहीं 11, कहीं 13। तो आज हम 7 चक्र और 13 चक्र, तो 13 चक्रों की बात करेंगे। सबसे पहले 7 चक्रों पर हम फोकस करेंगे। नाड़ियों की बात हमने लास्ट टाइम की थी, और ईडा, पिंगला और सुषुम्ना, तो ये 3 इम्पोर्टेंट नाड़ियाँ, इसकी हमने बातें की थी। तो चक्र जो है कि इसी तेजस बॉडी में जो हमारा एनर्जी बॉडी है उसमें रहते हैं, जैसे कि ईडा, पिंगला और सुषुम्ना रहती है। तो हम उसे फिजिकल बॉडी में करस्पॉन्डिंग सेंटर्स देखते हैं और एक्चुअल उनकी लोकेशन तेजस बॉडी में होती है। चक्र जो है या चैतन्य केंद्र हम उसे कहेंगे, जो है कि जहां चेतना सघन रूप से होती है, और सघन रूप से होती है इसलिए वो वहां से फिजिकल बॉडी में इजीली कनेक्ट हो जाती है। तो यदि हमें अंतर जगत में जाना है, बहिरात्मा से निकल तक अंतरात्मा में जाना है, तो चैतन्य केंद्र जो है कि एक बहुत ही आसान तरीका हमें दे सकता है, क्योंकि चैतन्य केंद्र के माध्यम से शरीर और चेतन शक्ति ये बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई होती है। और एक एक चैतन्य केंद्र जो है वो उसके आजू बाजू में जितने फिजिकल बॉडी होती है उस एरिया की फंक्शनिंग
वो कंट्रोल करते हैं। तो जैसे कि एक दिल्ली जंक्शन है, एक बॉम्बे जंक्शन है या एक कलकत्ता जंक्शन है, तो वहाँ से बहुत सारे ट्रेन्स आती जाती है। दिल्ली के आसपास की सारी जगह पे दिल्ली से ट्रेन जाती है, और उस तो वहाँ की यातायात व्यवस्था वो जंक्शन कंट्रोल करता है। मगर दिल्ली से समझो जाना है बम्बई, तो और दूसरी हाईवे फास्ट ट्रेन्स होती है, तो जिस किसी को दिल्ली के आसपास के एरिया के लोगों को बम्बई जाना है तो पहले दिल्ली जंक्शन आएंगे, दिल्ली जंक्शन से फास्ट ट्रेन लेके फिर बम्बई जंक्शन या और दूसरे किसी जंक्शन जाएंगे। तो चैतन्य केंद्र जो है एक प्रकार से जंक्शन का काम करता है। आजू बाजू की जो फिजिकल बॉडी के सेंटर्स है उनको एनर्जी पहुंचाने का, उनको चेतन शक्ति पहुंचाने का, उनको प्राण शक्ति पहुंचाने का कार्य और कंट्रोल करने का कार्य ये सारे चक्र या शक्ति के या जो है हमारे चैतन्य केंद्र काम करते रहते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है इसकी फंक्शनिंग, और हमारी आत्मक्रांति की दिशा में जो है ये चक्र की जागृति, जो हम कहते हैं चैतन्य केंद्र की जागृति, बहुत अहम हिस्सा रहती है। तो चलिए देखते हैं ये केंद्र कहाँ और कैसे है, और फिर उसकी फंक्शनिंग भी उसके साथ साथ देखते चले जाते हैं। तो सबसे पहले जो है इसकी चर्चा हमने पहले भी की थी, रीढ़ की हड्डी के नीचे जो है लास्ट वर्टिब्रा जो है, तो यहां पे जो है शक्ति केंद्र जिसे हम कहते हैं मूलाधार, हम जिसे कहते हैं वो केंद्र होता है। बेसिकली हमारे गुदा द्वारा और जननेन्द्रिय के बीच की जो जगह है वहां पर इसका स्थान होता है। बहुत से लोग उसे कुंडलिनी भी कहते हैं और कुछ नाम से भी देते हैं, मगर हम इसे मूलाधार या शक्ति केंद्र के नाम से। तो बायो एनर्जी जो हमारी है वो यहाँ जनरेट होती है, यहाँ स्टोर होती है। तो जैसे कि एक पावर हाउस होता है और पावर हाउस और सारे शहर को बिजली सप्लाई करता है, तो उस प्रकार से ये शक्ति केंद्र जो है हमारे शरीर का पावर हाउस है। शरीर को जो शक्ति चाहिए वो यहाँ निर्माण होती है, और शरीर के हर एक जो सेल है उसको फंक्शनिंग के लिए शक्ति की जरूरत होती है। बगैर शक्ति के, बगैर एनर्जी के शरीर का कोई हिस्सा काम नहीं कर सकता है, और इसीलिए इस शक्ति केंद्र का जो है अच्छे ढंग से काम करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। समझ लो कि शक्ति केंद्र 50% ही काम करता है, 30% ही काम करता है, तो शरीर के सारे भागों को जो शक्ति चाहिए वो सप्लाई नहीं हो सकती। तो कुछ भागों को शक्ति मिलेगी, जहाँ शक्ति नहीं आएगी वो भाग जो है डिसफंक्शनल होते चले जाएंगे। तो शक्ति केंद्र की जागृति बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। शक्ति केंद्र जो है ये गोनाडस जो ग्लैंड है उससे जुड़ा हुआ है, यानी कि ये काम वासना का भी केंद्र है, जो वासनाएं होती है उसका भी ये प्रमुख स्थान है। तो शक्ति केंद्र हमारा जो है एक प्रकार से जागृत है, क्योंकि हमारे शरीर की फंक्शनिंग के लिए वो आवश्यक है। मगर उसके दो पहलू हैं, एक तो नैसर्गिक जो जागृत है, तो नैसर्गिक जागृत जो है वो हमें काम वासना की ओर ले जाएगा, वासनाओं की ओर ले जाएगा। और उसका जो दूसरा आध्यात्मिक पहलू है,
जो कि जागृत नहीं है, सुप्त है। वो जो है कि यदि हम उस सुप्त केंद्र को जगाए तो हम ब्रह्मचर्य की ओर जा सकते हैं, हम वासनाओं पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो दो पहलू, एक तो शरीर के लेवल पर हम रहना है तो जो निसर्ग ने दिया है, जागृत किया है, वो हम काफ़ी है। मगर आध्यात्मिक दिशा में कुछ प्रोग्रेस करनी है, स्पिरिचुअलिटी में जाना है, कुछ उच्च दिशा में जाना है, तो हमें उसका जो दूसरा हिस्सा है, जो सुप्त है, उसे जागृत करना है। तो इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। तो जैसे समझो जागृत नहीं हो गई तो शरीर के तल पर हम भोग करेंगे और भोग उपभोग में ही सारी जिंदगी हमारे निकल जाएगी। तो पैदा हो गए हम, फिर काम वासना में चले गए, कुछ नेक्स्ट जनरेशन को पैदा किया, कुछ बच्चे पैदा किए, अंत में मौत आ गई, हम मर गए। तो इसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए, क्योंकि ये सारा निसर्ग के कारण हो रहा है। आप जन्मे, इसमें आपका कोई कर्तृत्व नहीं, आपके माँ बाप की काम वासना के कारण आपका जन्म हुआ, आपकी काम वासना जागृत हुई निसर्ग के द्वारा, और आपने बच्चे पैदा किए ये किए काम वासना के द्वारा जो निसर्ग से आपसे दी हुई, और आपकी मौत आ गई वो भी निसर्ग के द्वारा, क्योंकि जन्मे हैं आप तो मौत निश्चित है, मौत आने ही वाली है। तो उस जीवन में आपका कोई कर्तृत्व नहीं रहा, जैसे कि जानवर जीते हैं, पशु जीते हैं, वैसे ही आदमी बनकर भी हमने वैसा ही जीवन व्यतीत किया। तो इसीलिए कहते हैं कि आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य तब पशु भी नराणाम धर्मो हितेशम अधिको विशेषो। तो कुछ आदमी बनकर आए कुछ अच्छा काम करने के लिए करना है, तो इस केंद्र को जो सुप्त है उसे हमें जागृत करना पड़ेगा। तो एक पहले काम जो है ये पहले केंद्र पर हमें इसे जागृत करने की कोशिश करनी है। तो चलिए जागृत कैसे करें उसकी थोड़ी सी हम एक बात कर लेते हैं। तो जो केंद्र भी जागृत करना है उस पे हमें पूरी तरह से फोकस करना है, मन के द्वारा फोकस करना है, कल्पना शक्तियों के द्वारा फोकस करना है, और ज़्यादातर चेतन शक्ति के द्वारा फोकस करना है। तो जैसे ही हमारी फोकस बढ़ते चली जाती है, चेतन शक्ति, हमारी प्राण शक्ति उस केंद्र की ओर आकर्षित हो जाती है, और वहाँ जाकर उस केंद्र में जो स्पंदन हो रहे हैं, जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं, उस वाइब्रेशन को जो है फील करना है, उस वाइब्रेशन के प्रति जागरूक होना है। और जैसे जैसे हमारी उस वाइब्रेशन के प्रति जागरूकता बढ़ती जाएगी, वो केंद्र सक्रिय होता चला जाएगा। धीमी प्रक्रिया है, पहले तो ध्यान की गहराइयों में जाकर और जो स्पंदन हो रहे हैं, जो वाइब्रेशन हो रहे हैं, उसको जानने की संवेदनशीलता हमें बढ़ानी है, और संवेदनशीलता बढ़ाने के कुछ टेक्निक्स हमने पीछे देखे हैं, तो उस टेक्निक को लेकर हमें उस केंद्र पर, तो जो हम कहते हैं केंद्र जागृत करने हैं, तो इस प्रकार से ये जागृति की प्रक्रिया हर केंद्र पर हमें करनी है। तो सेकंड जो है स्वाधिष्ठान या स्वास्थ्य केंद्र। तो स्वाधिष्ठान जो है हमारे नेवल सेंटर से 3 या 4 उंगलियां नीचे जो है, और सीधी रीढ़ की हड्डी में और तेजस बॉडी में, नॉट इन फिजिकल बॉडी। फिजिकल बॉडी में हम क्योंकि इमेजिन करने के लिए, फील करने के लिए आसान पड़ता है, तो इसलिए तो ये मत समझ लेना कि ये फिजिकल बॉडी में है। तो स्वाधिष्ठान जो है इसमें बहुत से फायदे हैं। तो ये चक्र जो है हमारी स्वास्थ्य की रिलेटेड सारी
चीजें जो है कंट्रोल करता है। तो डाइजेशन सिस्टम है, बाकी सिस्टम जो है, जो अलग प्रकार के रस निर्मिति होती है हमारे शरीर में, जो कि मुख में जो लार निर्मात होती है, यू नो, वहाँ से लेके तो शरीर में जितने भी केमिकल्स पैदा करने होते हैं डाइजेशन के लिए या किसी चीज़ के लिए, तो ये स्वादिष्ठान केंद्र जो है ये कंट्रोल करता है। और दूसरी बात जो है, स्वादिष्ठान केंद्र जो है क्रोध मान माया लोभ, ये जो हमारी भावना है, और भीति जो है फियर फैक्टर जो है, ये इसको कंट्रोल करने में हमें सहायता देता है। तो एक पहलू उसका जो है कि ये भी गोनाडस ग्रंथि से जुड़ा हुआ है, और इसलिए ये भी काम वासना की और उसकी नेचुरल गति होती है। तो ये दोनों केंद्र जो है काम वासना से जुड़े हुए हैं, और नेचुरली जो नेचर ने एक्टिवेट किए हैं वो पार्ट हमें शरीर के तल पर भोग उपभोग की तरफ, और गोनाडस के कारण राग द्वेष, यू नो, जो है उससे जुड़े क्रोध मान माया लोभ और भीति जो है भय, उसको ये करते हैं। तो ये ग्रंथ सारे जो ग्रंथियाँ, सारे जो चक्र है, ये सुप्त रूप से हमें प्राप्त है। तो ये हमें खोजना है। तो जो हमें खजाना दिया हुआ है, एक बंद तिजोरी में दिया है, तो उसे खोलने की जो चाबी है वो उसे हमें ढूंढनी है, और वो चाबी ढूंढकर इसे खोलकर इसमें जो खजाना है, अकुत खजाना है, उसे हमें प्राप्त करना है। तो इस केंद्र का जो सुप्त भाग है, तो दो भाग हो गए जैसे पहले चक्र के हमने देखे, तो इसका जो सुप्त भाग है वो हमें जागृत करना है। निसर्ग ने केवल जो स्थूल शरीर के लिए चाहिए उसको हमें जागृत करके दे दिया है। तो इसको यदि हम जागृत करें तो क्रोध मान माया लोभ और डर जो है, इस पर हम धीरे धीरे कंट्रोल पाना शुरू कर सकते हैं। सो मूलाधार जो है, दैट इज दी मेन, जो हमारा शक्ति केंद्र जो है, वहाँ हमारी बायो एनर्जी जनरेट होती है और वो सारे शरीर को सप्लाई होती है। तो इस केंद्र के द्वारा समझो कि फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है तो शक्ति कम निर्माण होगी और फिर शरीर के कुछ केंद्रों को वो मिलेगी नहीं, तो उस कारण से फिर फंक्शनिंग हमारे कुछ पार्ट्स की बराबर होती नहीं है। तो इसीलिए इस केंद्र को जागृत करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और नेचुरली जो जागृत पार्ट होता है वो हमें काम वासना की ओर ले जाता है। ये काम वासना का प्रमुख केंद्र है। तो गोनाडस जो ग्रंथि होती है, जो काम वासना की ग्रंथि होती है, तो ये नेचुरली एट ए मैच्योरिटी एज जागृत हो जाती है, और फिर यदि हम केवल जो नेचुरली जागृत पार्ट है उसी पर डिपेंड रहते हैं, तो काम वासना में हम शरीर को केवल एक काम वासना का केंद्र मानकर ही जीते हैं। और उसका एक जो सूक्ष्म पहलू है, जो कि अभी जागृत नहीं है, सुप्त है, वो भी निसर्ग ने हमें दिया है, बट वो सुप्त रूप में दिया है, तो उसको हमें जागृत करना है। यदि उस सुप्त केंद्र को हम जागृत कर लेते हैं तो फिर हम ब्रह्मचर्य की ओर जा सकते हैं, काम वासना में हम कंट्रोल कर सकते हैं, और ये जो काम वासना की शक्ति है उसे रूपांतरित करके, और फिर हम जो स्पिरिचुअलिटी की जो लेवल्स है उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि
जो सुप्त केंद्र है उसे हमें जागृत करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि हम आए, हमने कुछ संतति पैदा की और आके हम मर गए। तो जैसे एक जानवरों में होता है, पशुओं में होता है कि वो पैदा होते हैं, संतति पैदा करते हैं, मर जाते हैं, क्योंकि उनके पास वो बाकी पोटेंशियलिटी नहीं होती है। मगर आदमी हम हैं तो हमारे पास बहुत सी पोटेंशियलिटी है, और यदि हम केवल वासनाओं में दंग रहकर मर जाते हैं तो कहते हैं कि आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य तप पशु भी नराणाम धर्मो हितेशाम अधिको विशेषो। तो जो धर्म की एक विशेषता है वो फिर हमें मिल जाएगी, नहीं तो बिल्कुल जो मानवीय जीवन हमने प्राप्त किया उसका हमें कोई फायदा होगा नहीं। तो पंकज जी, ये जो डिस्प्ले किया है ना, इसको आप थोड़ा निकाल दीजिए। तो वो पूरा ये आपको विजिबिलिटी आएगी ज्यादा। सो नाउ यू कैन सी मी बेटर। हाँ जी, हाँ। तो सो दिस इज वन। तो अध्यात्म को इसके हम करें तो हमें इस शक्ति को जो है परिवर्तित करना है। तो दो पार्ट होते हैं कि एक तो उसका दमन करना है। तो बहुत से जो लोग हैं ब्रह्मचारी बनते हैं तो वो शक्ति को दमन करते हैं, वासना को दमन करते हैं, मगर दमन करना नहीं है। जो हम चक्र जागृति की बात करते हैं तो उस शक्ति को परिवर्तित करता है, उस शक्ति को बदलना है, उस शक्ति को परिष्कृत करना है, शुद्ध करना है। क्योंकि जैसे कि एक स्प्रिंग होता है और स्प्रिंग को हमने दबा के रख दिया और ठीक है, हम कहेंगे कि भाई दब गया, जैसे ही हाथ निकाला तो स्प्रिंग उछल कर ऊपर आएगा, तो जितना था उससे भी उछल कर और वो उछलता रहेगा। तो जो हम दमित करते हैं जो बातें, तो वो डीपर चली जाती है हमारी सबकॉन्शियस में और फिर उसको निकालना मुश्किल होता है। तो जब भी हम चक्र जागृति की बात करते हैं, हम बात करते हैं परिवर्तन की। जो शक्ति अशुद्ध है, जो भोग की ओर जा रही है, उसको परिवर्तित करते हैं, उसको दिशागामी करके और फिर उसको शुद्ध करना है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर। तो नॉर्मली ये शक्ति जो है हमारी अधोगामी है, और हमारी अधोगामी शक्ति जो है वो वासना की तरफ जाएगी, और इस शक्ति को यदि हम ऊर्ध्वगामी बनाते हैं तो फिर चक्र जागृति की जो है क्रिया शुरू हो जाती है। तो नेक्स्ट चक्र जो है हम जो है स्वाधिष्ठान, स्वाधिष्ठान उसको हम स्वास्थ्य केंद्र भी कहते हैं, स्वास्थ्य केंद्र कहते हैं। तो इसका हमारी हेल्थ से बहुत क्लोज कनेक्शन है। जो हेल्थ रिलेटेड सारी चीजें हैं ये इस केंद्र से कंट्रोल होती है, इसीलिए उसका नाम स्वास्थ्य केंद्र भी है। तो जो बॉडीज में सारे सिलेक्शंस होते हैं, सलाइवा से लेकर जो वेरियस केमिकल पैदा करते हैं डाइजेशन के लिए, उसके लिए वो सारे इस केंद्र से कंट्रोल हो जाते हैं, और हमारी डाइजेस्टिव एंड अदर थिंग। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसकी नेचुरल इंक्लिनेशन अगेन काम वासना की ओर है। सो ये भी काम वासना का ही, काम वासना से जुड़ा, गोनाडस से जुड़ा हुआ केंद्र है। और इसकी जो सुप्त भाग जो हमें मिला है, यदि उसको हम जागृत करें इस केंद्र को, तो इस केंद्र का दूसरा एक जो भाग होता है कि क्रोध मान माया लोभ और भीति डर जो है ये इस केंद्र से एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इसको यदि हम परिष्कृत करें तो हमारा जो भय है या क्रोध मान माया लोभ है, इस पर हम धीरे धीरे कंट्रोल पा सकते हैं, इसको हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो जैसा हमने देखा था
की शक्ति को परिवर्तित करना है तो क्रोध है, उसको परिवर्तित करके क्षमा बनाना है ना। तो क्रोध मान माया लोभ जो है ये चार, इसके तो दस लक्षण के जो पहले चार होते हैं कि क्षमा मार्दव आर्जव और शौच, ये इसके प्रति फल है। तो शुद्धि हम करेंगे तो क्रोध क्षमा में जाएगा, अहंकार जो है मार्दव में जाएगा, यू नो लाइक दैट। सो क्षमा मार्दव आर्जव और शौच, तो ये शक्ति को यदि हम कन्वर्ट कर ले तो इस प्रकार से वो हमें। तो एक बात बहुत यहाँ ध्यान में रखनी है कि जैसे एक कॉइन होता है तो कॉइन की दो साइड्स होती है, तो वैसे ही जो ये है क्रोध है, तो क्रोध एक साइड हो गई, उसकी जो बैक साइड ऑफ द कॉइन है दैट इज क्षमा, है ना। तो शक्ति को हमें इस प्रकार से कन्वर्ट करना है, तो लुक एट द अदर साइड ऑफ द कॉइन। और इसीलिए जो हम कहते हैं कि प्रेक्षा, प्रेक्षा करना है, ध्यान में जाके प्रेक्षा करना है, क्या ऑब्जर्व करना है कि भाई क्रोध है, इसकी दूसरी बाजू क्षमा, उसकी अनुभूति करनी है। तो कॉइन की जो अदर साइड है उसकी अनुभूति हमें करनी है, ताकि इसको कन्वर्ट करने में हमें कन्वीनियंस आ जाए, इसको कन्वर्ट करने में थोड़ा आसानी आ जाए। तो मुख्य बात जो है कि ये जो सुप्त भाग है उसका जो दूसरा पहलू है उसे जागृत करना है, और इस शक्ति को कन्वर्ट करना है, परिमार्जित करना है, ऊर्ध्वगामी करना है। सो दैट इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तीसरा जो है कि जो हमारा नेवल सेंटर है दैट इज तो मणिपुर चक्र हम उसे कहते हैं, तेजस केंद्र जो कहते हैं, तो करस्पॉन्डिंग इन दी तेजस बॉडी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पर जो है कि हमारी दूसरी और भावनाएं यहाँ पर निगड़ित हो जाती है, जो हम संज्ञाएं कहते हैं। तो 10 संज्ञाएं में से कुछ और संज्ञाएं यहाँ पर एक्टिवेट रहती है, और उसकी जो सुप्त पार्ट जो है, जो हमें जागृत करना है, वहाँ पे यदि हम जागृति करते हैं तो तेजो में हमारी पर्सनैलिटी बन सकती है, बल जो हमें चाहिए वो हमें मिल सकता है, तो स्फूर्ति जो है वो हमें मिलती है। बहुत बार होता है, बहुत से लोग होते हैं कि एकदम उनमें कोई स्फूर्ति नहीं होती है, कोई उत्साह नहीं होता है, कुछ काम करने की शक्ति नहीं होती है, शाम हो गई तो थक जाते हैं, अभी क्या करें। तो ये सारी चीज़ें जो है यदि हम इस केंद्र को जागृत करें तो हमारा मनोबल भी बढ़ेगा, हमारा आत्मबल भी बढ़ेगा, हमारी तेज भी बढ़ेगी और स्फूर्ति भी हमें प्राप्त होगी। तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट ये चक्र है, और इस चक्र का तो ये जो तीन चक्र जो है ये नेचुरली जागृत होते हैं एक पार्ट, और सुप्त पार्ट जो है वो हमें जागृत करना पड़ता है। और ये सारी ऊर्जा यहाँ अधोगामी होती है, तो अधोगामी तो इसीलिए इसको जो है कि अधोलोक भी कहते हैं, जो हमारे नेवल सेंटर के नीचे यदि चेतन शक्ति रहती है तो अधोलोक हम इसे कहते हैं। और ये जो अशुद्ध लेशा होती है, कृष्ण लेशा, नील लेशा और कपोत लेशा, ये इसके स्थान होते हैं। तो जब भी चेतन शक्ति यहाँ होती है ये तीनों लेशा डोमिनेंट रहती है, अशुद्ध लेशा, यानी कि हम वासना की और उस की जकड़ में रहते हैं हमेशा। इसके ऊपर जो है अभी हमारे चेस्ट के पास जो है ये आनंद केंद्र या अनाहत चक्र, आनंद केंद्र और अनाहत चक्र जो है कि सॉर्ट ऑफ ए मिडल पॉइंट, कि जहाँ से हम कह सकते हैं कि चेतन शक्ति यहाँ और इसके ऊपर रहेगी,
तो हमारी पॉजिटिव लेशा जो है, शुभ लेशा है, वो जागृत रहेगी और अशुभ लेशा जो है वो सप्रेस रहेगी। और यहाँ से यदि हम इस केंद्र तक आ सकते हैं तो फिर जो आध्यात्मिक हमारी प्रगति है उसकी शुरुआत हो सकती है। जब तक नीचे की लेवल पर है, आध्यात्मिक क्षेत्र में हमारी ज़्यादा प्रगति होती नहीं है। और इसीलिए हम देखते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत कम लोग, 1% से भी कम लोग उसमें आ जाते हैं। क्यों? कि वो उस लेवल तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो अनाहत चक्र में यदि आप एक्टिवेट कर सकते हैं तो दुख हमारा कम होता जाता है, काम वासना में कंट्रोल आते जाता है और आनंद की अनुभूति हमें मिलनी शुरू हो जाती है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आनंद की अनुभूति मिलना। तो एक और यहाँ से समता जो है वो हमारी बढ़नी शुरू हो जाती है। समता की जो क्वालिटी है वो यहाँ से हमें बढ़नी शुरू हो जाती है। तो मैं थोड़ा सा फास्ट लेके क्विक समराइज करूँगा कि बिकॉज वी हैव लॉस्ट 15-20 मिनट्स ऑफ द टाइम। इसके ऊपर जो है विशुद्धि केंद्र है। विशुद्धि केंद्र जो है हमारे ये जो कंठमणि बोलते हैं, यहाँ प्रोजेक्टेड होता है, जहाँ हमारी थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड होती है। सो दैट इज द सेंटर ऑफ विशुद्धि केंद्र। तो विशुद्धि केंद्र एक बहुत बड़ा, बहुत इम्पोर्टेंट केंद्र है। तो यहाँ तक जो है चार जो हमने देखे उसमें दो पार्ट होते हैं कि एक नेचुरली अवेलेबल एंड देन वन विच वी कैन एक्टिवेट। सुप्त है वो हम एक्टिवेट कर सकते हैं और उसकी दो दिशा है, एक दिशा में गए तो ऐसा होगा। और ये जो केंद्र है यहाँ से ऊपर सारे केंद्र एक दिशागामी हैं, उसमें कोई बाइफर्गेशन की जरूरी नहीं है। तो जो हम विशुद्धि केंद्र को जागृत कर सकते हैं तो हमारी जो है अनेक क्वालिटीज़ हमारी अच्छी एक्टिवेट होनी शुरू हो जाती है। एक तो समता की वृद्धि हमारी होनी शुरू हो जाती है। एक तो जो है कि जिसे हम कहते हैं कि भेद विज्ञान, कि मैं शरीर से भिन्न हूँ, मैं ये हूँ। तो जब तक आपकी विशुद्धि केंद्र जागृत होते नहीं तब तक आपको इसकी अनुभूति होगी नहीं। तब तक ये वो केवल शब्द रहेंगे कि मैं अलग हूँ, मेरा शरीर अलग है, मैं आत्मा हूँ, है ना। उसका कोई ज़्यादा इतना वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा अनटिल अनलेस आप इस विशुद्धि केंद्र को जागृत करें। तो विशुद्धि केंद्र को जागृत करें तो ये सारी अनुभूतियाँ आपको मिलनी शुरू हो जाती है। जो आप, हम कहते हैं कि भाई साहब भेद विज्ञान की अनुभूति करो, ये यहाँ पे हमें मिलेगी, है ना। जो हमारी मन की चंचलता है वो कम होती चली जाएगी या वो यहाँ पे कम होती जाएगी। जो हमारा विवेक है वो जागृत होना शुरू हो जाएगा। तो श्रद्धा की बात जो हम करते हैं कि भाई साहब तो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, है ना, कि तत्वों पे श्रद्धा रखे तो सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। तो श्रद्धा जो है कि उसके अनेक लेवल है। तो एक तो शब्दों के लेवल की श्रद्धा है कि हम कहेंगे भाई सात ये हमारे तत्व है, नौ पदार्थ है और सच्चे गुरु देवशास्त्र ऐसे ऐसे है और इस पे हमारी श्रद्धा है। सो दैट इज ए स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द श्रद्धा। बट इस लेवल पे जब आएंगे हम तो ये श्रद्धा घनीभूत हो जाएगी। क्यों? कि यहाँ पे विवेक हमारा जागृत होगा। विवेक जागृत होगा तो सही क्या है, गलत क्या है, ये हमें सही ढंग से पता चलेगा। और जो हम एनालिसिस करेंगे तब पता चलेगा कि हाँ ये मुझे अनुभूति आ गई ऐसी और इसीलिए ये शरीर भिन्न है। और तो ये श्रद्धा, तत्वों की श्रद्धा
ये यहाँ पे जो है फॉर्म हो जाएगी, तो श्रद्धा, रियल श्रद्धा यहाँ इस लेवल पे हमें प्राप्त होगी। तो चैतन्य शक्ति की शुद्धि इस लेवल पे आ जाएगी तो श्रद्धा जो है वो घनीभूत होगी, और सो हमें यहाँ पर जो है सम्यक दर्शन की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। तो इस लेवल तक चेतन शक्ति लाना रियल सम्यक दर्शन के लिए बहुत जरूरी है। तो आगे चलकर हम एक लेक्चर में इसकी और गुणस्थानों को हम मैच करेंगे कि इस चक्र में कौन से गुणस्थान, इस चक्र में कौन से गुणस्थान, वो दोनों रिलेटेड ही है। और आगे चलकर जो है अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, दर्शन केंद्र आज्ञा चक्र या थर्ड आय, यू नो ये बातें हम कहते हैं। तो ये जो है बहुत टर्निंग पॉइंट है, यहां पर सारी वासनाओं पे कंट्रोल हमें आ जाता है। तो यहां पे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। तो दर्शन ये विशुद्धि केंद्र पे हमने देखा थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड होती है, और थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड जो है हमारे सारे शरीर पर नियंत्रण रखती है। तो कोई मोटा है, कोई जाड़ा है, कोई ओबेस हो रहा है, ये सारे थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड की अशुद्धि के कारण हो रहा है। जैसे ये शुद्धि होती जाएगी तो आपका शरीर जो नेचुरल प्रोपोर्शनेट है ऐसे बनते जाएगा। तो फैटनेस हो रही है, ओबेसिटी हो रही है, कारण है कि थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड अशुद्ध अशुद्ध हो रही है। और ये शुद्धि होती जाएगी तो शरीर की सारी क्रियाएं प्रॉपर होती जाएगी। और दर्शन केंद्र पे हम आ गए तो वहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एक्टिवेट होती है, एंड पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल्स ऑल द रिमेनिंग ग्लैंड्स। तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ मास्टर ग्लैंड, तो उसको यदि एक्टिवेट करे तो बाकी सारी फंक्शनिंग वो प्रॉपरली कंट्रोल हो जाती है, काम वासना हमारे कंट्रोल हो जाती है, ब्रह्मचर्य स्थापित होता है। तो कोई आदमी कहे कि भाई मैं ब्रह्मचारी हूँ और वो ध्यान नहीं करता है तो उसका ब्रह्मचर्य बहुत अधूरा है, ऊपर ही है। ब्रह्मचर्य होने के लिए आपको दर्शन केंद्र तक पहुँचना जरूरी है, ताकि जो काम केंद्र आपका जो है पिट्यूटरी ग्लैंड उस काम केंद्र को कंट्रोल करेंगे, और इसीलिए उसको जगाना जरूरी है। पिट्यूटरी ग्लैंड जागी तो आपकी जो वासनाएं है वो कंट्रोल में आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। और यहाँ अतींद्रिय ज्ञान जो हम कहते हैं वो उसका आपको जो है उसकी अनुभूति यहाँ शुरू हो जाएगी, एंड दिस इज द पॉइंट वेयर we get connected to the cosmos. तो इस लेवल पर अतींद्रिय ज्ञान की जो है तो टेलीपैथी वगैरह जो हम कहते हैं कि सिद्धि, जो सिद्धि प्राप्त होती है वो यहाँ पर, because we are able to get connected to the cosmos. So this is very very important center, और इसको जागृत करना है। ये दर्शन केंद्र यानी कि जो हम तत्व कहते हैं उसका रियल सही ढंग से दर्शन अनुभूति इस केंद्र के जागृति के बाद हो सकती है, होती है। तो इम्पॉर्टेंट है कि सारी भावनाओं पे अंकुश और सारी एनर्जी को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, इस केंद्र पर आकर ये सारी चीज़ें हो जाती है। और इसके ऊपर जो है सहस्त्रार, सहस्त्रार जो है कि ये जहाँ चोटी होती है वो केंद्र वहाँ पे है। तो सहस्त्रार जो है कि सारे जो हमारा ब्रेन फंक्शनिंग है और ब्रेन फंक्शनिंग को प्योरीफाई करते चला जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ऑल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी इज़ कंट्रोल्ड थ्रू द ब्रेन, मॉनिटर थ्रू द ब्रेन, और जो हमारी आभा है ये ना उसको जागृत करना है, ज्ञान केंद्र हमारे जागृत करने हैं, और जो हमारी इमेजिनेशन है, क्रिएटिविटी है, वो सारे जागृत करनी है। तो सहस्त्रार इस केंद्र पर, ज्ञान केंद्र
जो हम कहते हैं, इस पर इसको जागरूक करना बहुत बहुत जरूरी है। इससे और भी तीन चार दूसरे केंद्र है, दूसरी जो है उसको मैं केवल थोड़ा मेंशन कर देता हूँ और देन फिर आगे चलकर हम उसको थोड़ी बातें करेंगे। तो एक तो जो है कि प्राण केंद्र जो हमने देखा है, श्वास प्रक्षा के समय हमने देखा है कि मन को कंट्रोल करने के लिए, शरीर श्वास को नियंत्रित करने के लिए और वासनाओं को कंट्रोल करने के लिए ये जो है टिप ऑफ द नोज जो है, तो इस पर फोकस करना है। और जैसा हमने देखा है कि नासाग्र दृष्टि ये जो है ही शुक्ल ध्यान में नासाग्र दृष्टि होती है, तो नासाग्र दृष्टि हायर मेडिटेशन लेवल में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो ये प्राण केंद्र को जागृत हमें करना है, एक बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा ब्रह्म केंद्र है, उसकी भी बातें हमने की थी, जिह्वा के जो है टिप पे, और उसे जागृत करना है। तो जो दांत है उसे रखने ऐसे, मगर जिह्वा को उसके पास लाना है, टच नहीं करना है। तो जिह्वा इज लाइक ए फ्लोटिंग एट दैट टाइम, जो हमारी जिह्वा है इट्स फ्लोटिंग, नाइदर टचिंग टीथ और नॉट टचिंग एनीवेयर। और फिर उसके वाइब्रेशन पे फोकस करना है, और जिह्वा जो है बहुत चंचल होती है, बहुत ज़्यादा उसके वाइब्रेशन है, तो यू विल बी एबल टू कैच वेरी फास्ट। तो जिह्वा पे कंट्रोल आ गया तो एक तो आपकी काम वासना जो है उस पर डायरेक्ट कंट्रोल आ जाता है यहाँ से। दूसरी जो है कि जो खाने पीने के प्रति जो हमारी वासना होती है वो उसको कंट्रोल हो जाती है। तो रस परित्याग जो हम कहते हैं उसे साधने में बहुत, तो आपकी जो ब्रह्म केंद्र कंट्रोल हो जाएगा तो खाने पीने का स्वाद जो है आपका बैलेंस हो जाएगा, यानी कि आकुलता पैदा नहीं होगी कि भाई मुझे यही चाहिए वही चाहिए वही चाहिए और ये अच्छा नहीं लगता वो अच्छा नहीं लगता, ये सब चीज़ें निकल जाएगी एंड यू विल बी एबल टू कंट्रोल ऑन दैट। एंड मोर इम्पॉर्टेंट वन थिंग मोर इज वाणी पर आपका कंट्रोल आ जाएगा, वाणी में आपके ओज आ जाएगा, वाणी में आपके तेज आ जाएगा, और आपकी वाणी में हिप्नोटिक क्वालिटी जो होती है कि आप किसी को सुनते हैं तो इमिजिएटली टोटली आप अटैच हो जाते हो उस व्यक्ति के साथ, है ना। तो जो कहता है वो आपके सीधे हृदय में जाता है, तो वो क्वालिटी जो है वो पावर जो है वो इस ब्रह्म केंद्र के ध्यान से आती है। और ब्रह्म केंद्र आपका जागृत हो गया तो आपकी वाणी में वो जो है ओज आएगा तेज आएगा और हिप्नोटिक क्वालिटी लोगों को आकर्षित करने की। तो जैसे कि समझ लो विद्यानंद मुनि महाराज के आपने प्रवचन सुने होंगे कभी, तो आप बैठ गए कितने भी लोग हैं दो मिनट के अंदर सारे चुपचाप होके सुनना शुरू कर देते हैं, क्यों कि वो वाणी ने आपको आकर्षित कर लिया है, हिप्नोटिक क्वालिटी उसकी जो है, मगर वो ध्यान साधना के बाद आती है, ऐसे ही नहीं आती है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है ब्रह्म केंद्र, ये भी बहुत है। तो ये सारे केंद्र जो है ये हमें जागृत करने हैं, और जागृति का जो मार्ग है ध्यान के द्वारा, और उसकी जो मैंने प्रक्रिया आपको बताई उस प्रक्रिया के द्वारा उसे जागृत करना है। एक बात बहुत इम्पोर्टेंट कि जब भी आप नेवल सेंटर के बीच नीचे की जो केंद्र है उसको जागृत करेंगे तो उसके बाद जो है आखिर में या तो विशुद्धि केंद्र या तो आनंद केंद्र पे ध्यान कर लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो नीचे के केंद्र जो है एक्टिवेट हो जाएंगे और फिर वो आपको वासना की तरफ ज़्यादा ले जाएंगे। तो उसको इसीलिए नियंत्रित करने के लिए जो आखिरी पार्ट होता है तो आइदर आप यहाँ या यहाँ जो ऊपरी उस पर केंद्रित करें या दर्शन केंद्र एनी वन ऑफ द थ्री उस पर आप थोड़ा केंद्रित करें तो जो नीचे ऊर्जा जागृत हो गई है वो रूपांतरित होके पॉजिटिव कार्य में आपको ले जाएंगे। तो शॉर्ट में क्योंकि समय हो गया है तो एक या दो प्रश्न हम ले लेंगे और इसमें और आगे चलकर मैं और बहुत सी बातें इसमें हम डिस्कस करेंगे, मगर समय के कारण मैंने थोड़ा सा ब्रीफ कर लिया इसको,
थोड़ा ओवरव्यू कर लिया है। तो कोई सवाल है एक या दो हम ले सकते हैं। एक्टिवेट करने के लिए आपको कौन सा मंत्र करना पड़ता है? नहीं, फिर से रिपीट कीजिए। हाँ, केंद्र, हाँ बिल्कुल। तो जैसा मैंने कहा कि हमें उस केंद्र पे जाके फोकस करना है पूरा, तो डेफिनेटली हम पहले जो ध्यान की प्रक्रिया है कायत स्वर्ग करेंगे और आएंगे और ध्यान के इसमें हम आ गए हैं, तो फिर जिस केंद्र पर, केंद्र को हमें एक्टिवेट करना है उस पर फोकस करेंगे। तो यहाँ पे हम मन का भी उपयोग करेंगे, कल्पना शक्ति का भी उपयोग करेंगे और ब्रीदिंग जो है वो ब्रीदिंग के द्वारा जो हम ऊर्जा उस तक ले जाते हैं और चेतन शक्ति को वहाँ लाना है और वहाँ पे 2 या 3 मिनट वाइब्रेशंस को फील करना है। हर केंद्र पे वाइब्रेशन है, उस वाइब्रेशन को फील करना है। उस वाइब्रेशन को जैसे फील करते हैं तो आपकी चेतन शक्ति, आपका मन, आपकी कल्पना शक्ति वो वहाँ और ज़्यादा जुड़ जाती है और वो केंद्र फिर जागृत होने शुरू हो जाते हैं। और सवाल ये आएगा कि भाई कैसे समझे कि केंद्र जागृत हो रहे हैं, है ना? क्योंकि ये अंतर जगत की बात है और अंतर जगत तो हम जानते नहीं। तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है इसको जानना कि ये जैसे हमारी चेतन शक्ति शुद्ध होती जाती है तो हमारे आचरण जो है, हमारा आचार जो है वो बदलना शुरू हो जाता है, है ना? चारित्र जो है बदलना शुरू हो जाता है और दैट वी कैन सी इन अवर बहिरात्मा, क्योंकि दैट इज हैपनिंग इन बहिरात्मा। तो बहिरात्मा में बैठकर हम जज कर सकते हैं कि भाई साहब ये जागृति हो रही है कि नहीं। तो जो हम कहते हैं कि चारित्र्य, तो लास्ट टाइम ये कहा था कि भाई चारित्र्य बाहर से उड़ने की कोई चीज नहीं है। इट इज नॉट एक्सटर्नल कि यू एक्वायर एंड देन पजेस, नहीं। चारित्र्य जो है कि जो चेतन शुद्ध शक्ति की शुद्धि की प्रक्रिया है उसका इफेक्ट है वो। तो इसीलिए चारित्र्य की कितनी बातें हम करें, अहिंसा की कितनी बातें करें, समता की कितनी बातें करें, जब तक ये चक्र जागृत नहीं होते, जब तक चेतन शक्ति शुद्ध नहीं होती, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो जैसे जैसे जागृत होते जाएंगे, जो क्वालिटीज हमने बताई, दैट इज रिफ्लेक्टेड इन योर आउटर ऑल्सो। यू नो, जैसे कि फूल है, फूल खिलता है तो सुगंध चारों तरफ फैलती है। तो ये चेतन शक्ति शुद्ध होती है तो इसके इफेक्ट सब जगह एक्सटर्नल में भी आपको, एंड यू कैन मेजर इट देयर वेरी वेल। तो दिस इज हाउ वी हैव टू डू इट। तो विनोद जी, एक क्वेश्चन मेरा था। हाँ। कि जो लोग काफी लथार्जिक होते हैं और उनको जैसे शक्ति नहीं है, ऐसे सब, तो मोस्टली हम लोग सिर्फ यही बोलते हैं कि खाने पीने में और अच्छा करो, विटामिन लो और ये सब, लेकिन अगर थोड़ा सा चेतन शक्ति की तरफ भी ध्यान देंगे तो वो सब चला जाएगा? केवल चेतन शक्ति की और ध्यान देने से ही जाएगा? अच्छा, बिल्कुल, नहीं तो नहीं जाएगा। कितनी भी दवाइयां आप खा लो, कितने भी विटामिन खा लो, उसका कोई इफेक्ट नहीं है। दैट इज अ टेम्पररी आउटर, यू नो, आप वो धारण बाहर से पकड़ के धारण कर रहे हैं, उसका इफेक्ट नहीं होता है। इट इज हैज टू बी ए इफेक्ट ऑफ योर चेंज इन द चेतन शक्ति, देन इट इज परमानेंट, यू नो। तो आपको जो है नाभि केंद्र जो हमारा है, तेजस केंद्र जो है, उस पर उसको जागृत करना पड़ेगा, तो सारी आपकी मनोबल की जो है वो निकल जाएगी, आपका मनोबल स्ट्रांग हो जाएगा, आपकी विल पावर स्ट्रांग हो जाएगी, आपकी शक्ति स्ट्रांग हो जाएगी, आपकी स्फूर्ति बने रहेगी, आपकी ताकत बनी रहेगी। आप रात को 10 बजे भी सोने जा रहे हैं, स्टिल यू विल बी वेरी फ्रेश। So, ये जो हम मॉर्निंग का कर रहे हैं, वी आर ऑल लीडिंग टू दैट क्रिया जो हम करेंगे, एंड उससे हमारा
ये चेतन शक्ति स्ट्रांग होगा, तो वो आप बताएंगे ना धीरे धीरे हर लेवल पर। हाँ बिल्कुल, और आज तक जितने भी टेक्निक्स बताए हैं, है ना, ये सारे दिस इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल दिस। सो उसके जैसे जैसे आपकी प्रोफिशिएंसी बढ़ती जाएगी, यू नो, तो आपको यहाँ ये जागृत करने में एकदम यू विल बी एबल टू डू इट, यू नो, तो आपकी वो कैपेबिलिटी उतनी डेफिनेटली होगी। तो इसलिए जो पहले सारे जो बताए अभी तक, दैट यू नीड टू कीप प्रैक्टिसिंग एंड रिफाइनिंग एंड गेट द मास्टरी ओवर देम, यू नो, दे आर ऑल हेल्पिंग, दे विल हेल्प वेरी मच टू डू इट। और आगे भी जो टेक्निक्स हम ले लेंगे आगे चलकर, समटाइम वी विल डू द लेशा ध्यान, और आगे चलकर बहुत सी चीज़ें हैं, देर आर लॉट टू अंडरस्टैंड एंड नो एंड लर्न, यू नो, एंड बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द प्रैक्टिस, यू नो। आप 1000 चीज़ें जानते हो और दूसरा एक आदमी एक चीज़ जानता है और वो प्रैक्टिस करता है, सो ही इज मच 10 times बेटर, ही गेट्स बेटर बेनिफिट। फिर जानने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली चेतन शक्ति प्यूरिफाई करनी पड़ेगी, तो उसका बेनिफिट हमें मिलना डेफिनेटली आ जाएगा। और जो भी आप लोगों को कभी भी कोई क्वेश्चन है, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी, सेंड ए मै टेक्स्ट मैसेज ऑन माई फोन, यू ऑल हैव माई फोन, फील फ्री टू भाई ये क्वेश्चन है हमारा, उसका कुछ आंसर करो, या टेक इट इन द नेक्स्ट सेशन, है ना, और यू कैन कॉल मी एनी टाइम, और प्रश्न है पूछ लेना है, सो डोंट हेजिटेट, वी आर ए फैमिली, सो डोंट हेजिटेट टू कॉल मी और टेक्स्ट मी और व्हाटएवर। ठीक है, थैंक यू। मगर इसका बेनिफिट एकदम दिखता नहीं है, तो इसलिए ऐसा लगता है कि ये मतलब कुछ बेनिफिट भी हो रहा है कि नहीं, ऐसे बिल्कुल लगता है। बिल्कुल होता है, ऐसे बहुत लोगों को होता है। तो इसमें एक शेर याद रखना है, दिल के तकाजे पे बेवक्त दुआ मांगी, दिल के तकाजे पे बेवक्त दुआ मांगी, कुछ जबर किया होता कुछ सब्र किया होता। तो क्या होता है कि छोटे बच्चे की तरह हम लोग कुछ कर लेते हैं तो इमीडिएट उसका इफेक्ट आया कि नहीं आया। छोटा बच्चा है, बीज बो लेता है, दूसरे दिन जाके बोलता है मम्मी अभी तक पेड़ नहीं आया, क्या हो गया, आम नहीं लगे, है ना, और वो अंकुर आता है तो उसको खींच के बड़ा करने की कोशिश करता है। सो दिस इज ए बेवक्त दुआ मांगी, है ना, कुछ जबर किया होता यानी कि कुछ श्रद्धा रखी होती, कुछ सब्र किया होता, कुछ इंतजार किया होता। तो इसलिए जो ध्यान की प्रक्रिया जो है वो संकल्प, परिश्रम और इंतजार, तीनों चीजें इसमें जरूरी है, यू नो। तो दिल के तकाजे पे बेवक्त दुआ कभी नहीं मांगनी है, इंतजार करना है, होगा, स्लो है, और इसलिए बहुत से लोग फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ देते हैं बीच में, बिल्कुल, है ना, बट दे विल टेक अनदर थिंग एंड लीव इट, एंड दे विल टेक थर्ड थिंग एंड लीव इट, दे विल टेक फोर्थ थिंग एंड लीव इट, तो उसमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो इसलिए श्रद्धा जो है दैट इज इम्पॉर्टेंट, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इट विल कीप यू मोटिवेटेड, इट विल कीप यू फोकस, एंड इट विल कीप यू कॉन्ट्रीब्यूटिंग, दैट इज परिश्रम उसमें करने की। तो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जहाँ भी आपको लगे कि मैंने इतना परिश्रम किया और एफर्ट्स नहीं आए, तो आप चेकअप कर लेना है मुझसे, आई कैन एक्सप्लेन यू व्हाई। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है चक्रों की जागृति, क्योंकि दिस इज दी वे यू कैन ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, देर इज नो अदर वे, प्लीज बिलीव मी, देर इज एब्सोल्युटली नो अदर वे। जो भी है वो भूल भुलैया है, सो दिस इज द रियल, एंड इसको रियली आप ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस, जो भी डाउट्स है पूछो, जो भी एक्स्ट्रा रीडिंग है मैं इसको सप्लीमेंट करते जाऊंगा अगले लेक्चर्स में, बिकॉज दिस इज द ओनली फोकस चेतन शक्ति शुद्धि। तो जो है संवर और निर्जरा, दीज आर द ओनली टू थिंग्स वी हैव टू अचीव, है ना, तो संवर और निर्जरा के लिए चेतन शक्ति की शुद्धि की आवश्यकता है। तो चलिए, हैव ए गुड डे एंड ए गुड वीकेंड।
प्रेस सब्सक्राइब बेल आइकॉन एंड लाइक बटन. jainworld.com 25 years of service to Jainism.